सपिंड विवाह नहीं होता था, दूसरा सगोत्र विवाह वर्जित था और तीसरा सप्रवर विवाह वर्जित था। ये क्या मतलब है इनके? पिंड मतलब आपकी फैमिली, योर सिस्टर, योर डॉटर, योर सन्स वाइफ, योर ब्रदर्स वाइफ, ये जो पिंड है आपका उसके अंदर आप विवाह नहीं कर सकते, वर्जित था। इन सम ट्राइब्स ब्रदर्स वाइफ वॉज अलाउड बट नॉट द सन्स वाइफ। ये सपिंड विवाह है, ये वर्जित, प्रोहिबिटेड। सगोत्र विवाह मतलब एक ही गोत्र के लोगों का आपस में विवाह वर्जित था। गोत्र की उत्पत्ति होती है हर जो हिंदू संस्कृति में जो डिवीजन था सोसाइटी का, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कहा जाता था कि जो फर्स्ट थ्री कैटेगरीज हैं इनकी उत्पत्ति किसी न किसी एंशियंट ऋषि से हुई है, तो हर ऋषि के नाम से उस लाइन का गोत्र होता था। तो आप अपने गोत्र को अगर पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई शांडिल्य गोत्र है, कोई गौतम गोत्र है, कोई भारद्वाज है, पाराशर है, मार्कंडेय है, आपको वो लाइनेज मिलती है। तो कहा जाता था कि उस गोत्र के लोग एक ही वंशज के संतान है ना। तो आज पिंड भले नहीं है लेकिन गोत्र तो सेम है, तो ये विवाह वर्जित है क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक ही फैमिली के हैं। और सप्रवर होता है जब पिछले तीन एंसेस्टर्स जिनको विवाह के दौरान आवाहन किया जाता है कि आइए और वर वधु को आशीर्वाद दीजिए, तो वो पिछले तीन जो मेल लिनियल असेंडेंट्स होते थे उनको प्रवर कहा जाता था। तो पिछले तीन प्रवर के रिलेटेड लोगों के साथ विवाह वर्जित था। तो समझ में आया कहां कहां वर्जित था? सपिंड, सगोत्र और सप्रवर विवाह में। दैट इज ऑल्सो नाउ सेट असाइड एंड रिमूव्ड बाय द मॉडर्न हिंदू मैरिज एक्ट। एक्सेप्ट सपिंड विवाह अब भी नहीं होते, बट सपिंड विवाह के अलावा दैट क्राइटेरिया इज नाउ रिमूव। पीपल सगोत्र विवाह भी होते हैं, सप्रवर विवाह भी होते हैं, अब इट इज ऑल रिमूव्ड। इसके बाद हम दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हिंदुइज्म का है, वो है दत्तक। दत्तक मतलब अडॉप्शन। दत्तक का जो एंटिटी है वो है औरस। एक होता था औरस पुत्र। औरस पुत्र मतलब जो स्वयं का पुत्र, बॉर्न आउट ऑफ द वेडलॉक। लेकिन जब किसी विवाह से कोई पुत्र पैदा नहीं हो पा रहा तो चूंकि पिंडदान के लिए, संस्कार के लिए पुत्र का होना आवश्यक माना गया था, तो औरस पुत्र की जगह दत्तक पुत्र का कंसेप्ट क्रिएट किया गया कि आप किसी पुत्र को अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, इवन डॉटर को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग फीचर यह था कि जैसे मैंने बताया विवाह का एक संस्कार था, ऐसे ही दत्तक संस्कार में दत्तक होम होता था। और दत्तक होम में जो पेरेंट्स दे रहे हैं दत्तक पुत्र को, तो दे आर गिवर्स और जो ले रहे हैं दे आर टेकर्स। लेकिन इस गिव एंड टेक के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होते थे दत्तक के, कि उस दत्तक पुत्र का गिवर फैमिली से सीवरेंस हो जाता, पूरी तरह से डिस्कनेक्ट। एंड द चाइल्ड बिकेम एज गुड एज अ नेचुरल बॉर्न चाइल्ड ऑफ द न्यू अडॉप्टिव
फैमिली, जहां वो अडॉप्ट किया गया है वहां का ही पुत्र माना जाता था, उसके कर्तव्य, उसके अधिकार सब अडॉप्टिव फैमिली, अडॉप्टेड फैमिली के प्रति होते थे, ना कि नेचुरल फैमिली के प्रति, एक्सेप्ट कुछ प्रतिबंध के, कि अडॉप्टेड जो नेचुरल फैमिली है उसकी, उसमें भी वो विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं नेचुरल फैमिली का सपिंड आ जाएगा. सो ही कैनॉट मैरी टू अ डॉटर ऑफ अ नेचुरल फैमिली बीइंग सन ऑफ एन अडॉप्टेड फैमिली. इज इट क्लियर? आई एम मेकिंग सेंस? तो ये प्रोहिबिशंस थे. प्लस नेचुरल फैमिली की किसी भी प्रॉपर्टी में उसका कोई हक नहीं बचता था, अडॉप्टिव फैमिली में सारे हक क्रिएट हो जाते थे. लेकिन अगर नेचुरल फैमिली से कोई हक उसे मिला है तो फिर उसका कर्तव्य भी था कि उस हक के अनुसार उस फैमिली के प्रति कर्तव्य भी वो करे. ये दत्तक होम वगैरह होता था, जो कि ये गिव टेक तो अब भी है, पर हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट आने के बाद होम वाला एरिया जो है, दत्तक होम, अब अबॉलिश कर दिया गया है. वो आपको होम हवन करने की जरूरत नहीं है. यू द नेचुरल पेरेंट्स कैन गिव एंड अडॉप्टिव पेरेंट्स कैन टेक. लेकिन एक प्रोहिबिशन जो स्टैट्यूट ने जोड़ दिया है वो ये है कि आप इस गिव एंड टेक में कंसिडरेशन का एलिमेंट नहीं ला सकते. मतलब समझे आप? फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट यू मस्ट हैव अ कंसिडरेशन, बट फॉर एन अडॉप्शन देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी कंसिडरेशन. पैसे लेके आप या पैसे दे के कोई बच्चा नहीं ले सकते अडॉप्शन में. मतलब आप खरीद नहीं रहे हैं उस बच्चे को. सो द कंसिडरेशन इज प्रोहिबिटेड. इज इट क्लियर? फिर जो करंट लॉ है वो क्लासिफाई करता है दैट हु कैन गिव, हु कैन टेक, हु कैन बी टेकन. तो वो चाइल्ड के क्वालिफिकेशन नए एक्ट में दे दिए कि वो 15 साल से ज्यादा उम्र का नहीं होना चाहिए, वो विवाहित नहीं होना चाहिए, वो जो है मदर और फादर दोनों की कंसेंट होना चाहिए देने के पहले. तो वो बहुत सारे अभी उसमें आपको क्राइटेरियाज मिल जाएंगे. और एक जो एक्ट स्टैट्यूट लाया गया है वो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है. हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट से पहले जो स्क्रिप्चर्स में गार्जियनशिप का कंसेप्ट है वो थोड़ा भिन्न था. दैट वॉज इन द अर्लीस्ट स्क्रिप्चर्स इट इज फाउंड दैट द किंग ऑफ द एरिया वॉज द गार्जियन ऑफ एवरी चाइल्ड. विद द लैप्स ऑफ टाइम द रूल्स ऑल्सो चेंज्ड एंड natural guardians were the natural father, and in the absence of the father, the mother. The mother was introduced later, much later. Otherwise, who was the natural guardian? The father. Or chunki joint family concept hamare yahan tha, तो जो जॉइंट फैमिली का हेड ऑफ द फैमिली जिसको कर्ता कहते थे, ही वॉज द गार्जियन ऑफ एवरी चाइल्ड ऑफ द फैमिली. सो देयर वॉज नो इनसिक्योरिटी इफ द पेरेंट्स आर देयर, इफ द पेरेंट्स आर नॉट देयर, द गार्जियन इज देयर. मतलब डेथ होना भी कोई जरूरी नहीं. सपोज द फादर हैज गॉन टू वर्क समवेयर आउट, तब कहते थे परदेश गए हैं, तो भी
फर्क नहीं, बच्चे की पूरी परवरिश जॉइंट फैमिली में कर्ता के द्वारा होती थी, और कर्ता मतलब नॉट वन इंडिविजुअल, वो उसके बाद जो कर्ता बनेगा सक्सेशन में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो देयर वाज नो इनसिक्योरिटी फॉर द चाइल्ड. एंड माय मदर्स फैमिली वाज अ जॉइंट फैमिली, एंड आई पर्सनली ऑब्जर्व that it was so well-knit a family that all the children used to call the eldest nani as amma and their own mothers as chachi, because they did not know who's whose mother. So well-knit a family that suppose the elder children are calling him amma and my mother is a chachi, probably this is the way I have to call. So he adopted the same words because his mother is identified as chachi. So he, the new child also started calling his own mother as a chachi, because the elder child is calling his own mother a ma, so he also started calling ma. So my mother's joint family, we never knew as a child which mausi belongs to whom. Everybody has one amma and rest are chachis. One nanaji used to take care of every child's education. The rest all are chachas. His own father is a chacha. Has no responsibility. The responsibility is that of karta. This I have personally observed. Probably joint families are getting obsolete now. But till my generation, I have observed, that means from thousands of years till recently, and some joint families still exist, you may find it. But these interesting features were there. Guardianship what act mein, dono parents ke jaane ke baad, there is a provision that the court can appoint a guardian. And the court adopted guardian has certain limitations, that he cannot dispose of the property of the child without the permission of the court. And the permission of the court will also be given only if it is in the necessity for the growth of the child or to protect the child's estate. Then there are two types of guardians, guardians of person of the child and the guardians of the property of the child. हो सकता है उसके पेरेंट्स के तरफ से कुछ प्रॉपर्टी उसके लिए बनाई हो, तो वो प्रॉपर्टी वेस्ट हो जाएगी, तो उसका भी गार्जियन होता है. समटाइम्स फॉर द पर्सन एंड प्रॉपर्टी देयर इज वन पर्सन एज अ गार्जियन. इसके बाद कुछ और इंटरेस्टिंग फीचर्स हिंदू प्रिंसिपल्स में हैं, वो है पितृ ऋण. Pitru Ren ka concept, that the debt taken by the father. If the father has obtained some loan and could not repay in his lifetime, us Pitru Ren ko chukane ki responsibility bete ki. और वो बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटे तक नहीं खत्म होती, बेटा भी नहीं चुका पाए तो उसके बेटे की, और अगर उसका बेटा भी नहीं चुका पाए तो उसके बेटे की. समझ आया? द सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन,